पार्टियों, गुड मॉर्निंग ऑल द वे फ्रॉम बैरिया टाउन कराची। आज का व्लॉग जो है और अगले दो तीन व्लॉग जो हैं वो आपको बैरिया टाउन कराची के अंदर ही देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे आए थे एक काम से और उसके बाद फिर हम रुके हुए हैं यहीं पे ही, और अल्लाह भला करे आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे ना बिल्कुल ज़रा ज़रा से बैंक बने में अंदर जो ब्रांचेज है ना बैंक्स की, बिल्कुल मामा कैसी हैं छोटी ज़रा सा ना बिल्कुल, जब HBL में आप एंटर हो तो बस हल्की सी सांस लो और उसके बाद छोड़ दो, सांस भी थोड़ी थोड़ी लेनी है अंदर क्योंकि ख़त्म हो जाती है ना छोटी सी जगह। तो खैर आज का जो सारा व्लॉग है वो बैरिया टाउन के अंदर हो रहा है और ये जो सारा कुछ हो रहा है आप लोगों को कौन दिखाएगा मामा? हम दिखाएंगे पार्टी, हम आ जाओ। खवातीन को हमने बोला हमने कि घर पर रहना, बाहर नहीं निकलना, बहुत शदीद गर्मी हो रही है, बिल्कुल शदीद है, झुलस झुलस जाओगे। हम लोग अकेले आए हैं यहाँ पे इम्तियाज़ ना तो पानी वानी लेने के लिए, तो अब यहाँ से लेंगे फिर उसके बाद देंगे। क्या हो गया शॉर्ट्स पे? शॉर्ट्स पे कितने शॉर्ट हैं, वो फौजी बन के घूमेंगे ये पहन के। लग तो अच्छे रहे मामा हैं, लाइट लाइट स्ट्रेच है, ज़रा खींच के देखिए। नहीं नहीं बस यहीं फेल हो गए, फट जाएंगे। हम बैठते भी तो कैसे हैं, और मंचिंग का कुछ लेते हैं, और कोई सैंडविच वैंडविच खाने का ना भूख लग रही है ऐसी कोई जानों की। हमने ना नम्मा बेकरी वाले आइटम से हम सामान ले रहे थे तो एकदम से नम्मा का फ़ोन आया कि अभी कुछ भी मत लेके आना, घर के अंदर ना बहुत अच्छा एक फूडीज रेस्टोरेंट है उससे खाना आएगा। मैंने कहा बस सही है, कोई मसला नहीं। तो मामा ने एकदम से पीछे ना, छोटे बच्चे नहीं होते मुँह निकाल के बोला तो एक ब्राउनी ले लें फिर। हाँ ले लेते हैं यार। हमने ना ब्राउनी ली यहीं पर खड़े होकर, हम बिल्कुल अल करंट हाथ के हाथ यहीं खा रहे हैं बिल्कुल बिस्मिल्लाह वाला बरकत। मामा खाओ शर्माओ नहीं बेटा, मीठे की कमी हो रही थी मैं और कोई बात नहीं थी। ऐसे भूख के आलम में मीठा खा के ऐसा सुकून मिलता, करार आता है, वो वाला गाना याद आता है दिल को, पर अबे टूट जाओ ना। तो पता है सबसे अच्छी बात क्या है मामा? हाँ उसमें क्रीम कम है, केक ज़्यादा हो गया। मेरे पास ना मुसलसल कमेंट आता था कि भाई बैरिया टाउन कराची जब भी आएँ तो इम्तियाज़ के अंदर मैं काम करता हूँ, मेरे से ज़रूर मिलिएगा। तो मैं आके ना ढूंढ रहा था इनको, तो मेरी मुलाकात हो गई भाई से, तो माशाल्लाह अब मुलाकात हो गई है, अब मेरा आना जाना रहेगा, मैं दो तीन दिन तक यहीं पे ही हूँ। जी जी ज़रूर आइएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी, सही है। दुआ में बाकी आप हमें याद रखिएगा, हमें भी और इन्हें भी। जी जी ज़रूर। मैम ने खाना ऑर्डर किया था, फूडीज़ एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर, भाई ने बताया था बहुत ज़बरदस्त किस्म का, तो हमने उससे खाना ऑर्डर किया। और खाना ऑर्डर करके हमने कहा यार अब घर में तो हम हमेशा खाते ही हैं ना, क्यों ना बाहर चल के खाया जाए। तो अब हम आए हैं ये मरी हिल पॉइंट बैरिया टाउन कराची, क्या ही खूबसूरत जगह है ना ये, सबसे ज़्यादा बैरिया में मैंने इस चीज़ को मिस किया था इस जगह को। तो हम यहाँ पे आए, हवा का शोर काफ़ी आ रहा होंगे, माइक नहीं लगाया हमने, खाना वाना लेके हम यहाँ पे सारा पुलाव शलाव और बर्गर वर्गर ये वो सब गेम। हाँ भाई अरे माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ब्लॉग में आ रही हो तुम? ये मरी हिल पॉइंट पे हम आके बैठ गए, ये हमारा व्यू है खूबसूरत सा, और खाना जो है हमारा पुलाव है, बिरयानी है और उसके अंदर ब्रोस्ट है, और बग्गी का जो है वो एल बे कह रहा हूँ बर्गर। कोई बात नहीं साहब, अब हम ज़रा खाना खाएँ, मज़ा आएगा। और शक्ल बता रही है चाय की कितनी कोई स्वाद चाय है। और उस वक्त जो खाना खाते हैं चावल खा के, वो भी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी तो उससे आंखें एकदम बंद हो रही थी, तो दिल चाह रहा था बस चाय की एक ज़रा चुस्की हो जाए। सर ने अभी कुल्फ़ी ली है और कुल्फ़ी इंजॉय करने से ज़्यादा इन पर वक्त पड़ गया है कुल्फ़ी का, क्यों पिघल रही है बहुत स्पीड में पिघल रही है ना, है ना, जल्दी जल्दी खा लो बस। कैसे टेढ़ी कैसे करनी थी? हाँ देख के ही गिरना जाए टेढ़ी होके। बग्गी क्या हुआ, बहुत ठंडी थी, आराम से खा लो, कोई जल्दी नहीं, कोई बात नहीं, अगर पिघल भी जाए तो गिर जाएगी। दांत में लग के बहुत ठंडी लगी है। आराम से खा लो, दांत दांत से खाओ नहीं जबान से खा लो, जबान से खा लो आराम से। आपने खाए नहीं है, बहुत मजेदार है भाई। पहले तो हमने अल्लाह भला करे आपका इम्तियाज़ गए वहाँ से थोड़ा सामान लिया, अब मैं लोगों को लेके आया हूँ मराबा मार्ट, फिर नाश्ते वाश्ते का सामान ले लो, क्योंकि पहले तो हम पानी वानी लेने आए थे। हैं भाई लेके देखते हैं अगर खुला। हम सो जो है नाश्ते का और अपने घर में थोड़ा सर्वाइवल का इंतज़ाम करने आए ग्रोसरी का। एडी तू क्या वो होता है, कौन सा बंदा होता है सर्वाइवल जो करता है? मैन वर्सेस वाइल्ड, वो ऐसे सर्वाइवल नहीं करता, मार्ट आके चलो फिर उठा लो, जंगलों में से कीड़े तोड़ तोड़ के खा लेते। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग ऑल द वे फ्रॉम बैरियर टाउन कराची टॉप फ्लोर ऑफ द टावर। आज दूसरा दिन हो चुका है और कल अल्लाह भला करे आपका भाई आके जब लेटा था उसके बाद मैं कहाँ गया मुझे नहीं पता, जिस कदर मुझे नींद आ रही थी सो गया था। खैर फिर मैं उठा तो मैंने मुझे ना शदीद किस्म की भूख लग रही थी, मुझे ऐसी भूख लग रही थी कि बस कुछ भी हो ना मेरे सामने तो मैं खा लूँगा। तो याद है ना हमने अभी थोड़ी देर पहले पुलाव खाया था, मतलब ब्लॉग में थोड़ी देर पहले और कल पुलाव खाया था, तो उस पुलाव को वो बचा हुआ था पुलाव, तो मैं उठा मुझे बड़ा दिल कर रहा था कुछ भी हो खाने को ना। मैं गया मैंने देखा फ्रिज के अंदर पुलाव रखा हुआ है, मैंने वो पुलाव निकाला उसमें डाला प्लेट में माइक्रोवेव में गर्म किया, फिर खोलता हुआ पुलाव ला के मैं बैठा और मैंने पहला चम्मच पुलाव खाया, क्या टेस्ट आया उसका। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने बोटी चबाई मैंने घर गई हूँ क्योंकि वो सड़ चुका था। और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए सैंडविच बनाई जो बनेगी, पानी लाया, मैंने कहा ज़रा सुकून से इस व्यू के साथ खड़े होके नाश्ता नोश फरमाते हैं। और हम लोगों के पास आया ये कवर ले लो से ना, ज़बरदस्त किस्म का एक पैकेज, इसके अंदर बहुत प्यारे किस्म के कवर हैं। प्यारे क्यों हैं क्योंकि मेरी ऑलरेडी उनसे बात हो चुकी थी। और ये देखो आपके भाई के हाथ में ना कुदरती कैंची है, ये देखो कुदरती शार्प नाइफ, पचका हो गया नहीं कट रहा ना, कटता है हमेशा कटता है, आज नहीं कट रहा पता नहीं क्यों, या तो ये थैली अच्छी है इनकी कवर ले लो वालों की। नहीं पचका हो गया भाई, चलो इसको खोलेंगे ऐसे हम फाड़ के। नमो इसमें तुम्हारे लिए भी एक चीज़ है। अच्छा जी पहला कवर आया नमो का, यही तो मज़े की बात है यार। ये कवर की माशाल्लाह क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और इसकी पैकेजिंग बता रही है कि इसकी कवर की क्वालिटी ज़बरदस्त है। ये देखो ये आपका कवर हो गया। अच्छा जी ये सिलिकॉन केस है, इस कवर की मुझे जल्दी हो रही है ना वो भी बताता हूँ। ये भी सिलिकॉन केस है आईफोन 12 प्रो का, माशाल्लाह इन्होंने तो पूरे साल भर के कवर भेज दिए हमारे लिए हैं। ये मेरे फ़ोन का है चलिए नमो और मान, ये तुम्हारा इंस्टाग्राम बन गया @ नमो मान। अच्छा है ना क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है यार इनकी कवर की। अगर आप लोगों को ऑर्डर करना हो ना तो ये सामने ही लिखा हुआ आ रहा है इन लोगों का इंस्टाग्राम, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और एंड द बेस्ट पार्ट अभी आने वाला है, ये देखो ये देखो भाई ये इस तरह से पार्टियाँ लिखा हुआ है। तो पार्टियों क्या ख्याल है इस टाइप की मर्च हो जाए पार्टियों वाली। भाई ये कवर्स वगैरह हमें आए थे कवर ले लो से, तो अगर आप लोगों को भी ऑर्डर करना है तो ये इनका इंस्टाग्राम यहीं पे लिखा हुआ है @ कवर ले लो, और वैसे भी मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। और ये नंबर है इनका, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू सो मच कवर ले लो, क्वालिटी बहुत आला है भाई की गारंटी पे, ऑर्डर कर लो। ये अभी जो कवर लगाया हुआ है मैंने ये गुई का कवर है। एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन खवातीन हज़रात और पार्टियों माशाल्लाह तबारकल्ला ज़बरदस्त जिंदाबाद बहुत आला, थैंक यू सो मच कवर ले लो। आप लोग भी जाओ और इनसे अपने फ़ोन का कवर ले लो। चलो पार्टी यहाँ पे वाला व्लॉग खत्म करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कल वाले जो व्लॉग होगा इंशाल्लाह ताला वो बहरिया टाउन के बारे में ज़रा हम बताएंगे और बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे बहरिया टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो इवन जद्दा के अंदर भी नहीं मिलती मुझे चीज़। और दूसरा ये कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और कवर ले लो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जाके अपने ज़रूर कवर ऑर्डर करिएगा, क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल है। थैंक यू सो मच। हाँ।